अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर आपको मैं सुनाने वाला साथियों, वो वैक्सीनेशन को लेकर है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी नेशनल डे और लिबरेशन डे अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा है। तो नेशनल डे और लिबरेशन डे की वजह से दोस्तों छुट्टियां जो चलती है उसको लगभग 3 मार्च तक छुट्टियां, 4 मार्च तक छुट्टियां चलती है। तो गवर्नमेंट तरफ से और एमओएच की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि वैक्सीनेशन का काम जो है वो 3 मार्च तक टाइमिंग को चेंज किया गया था। तो यानी कल तक ही दोस्तों ये टाइमिंग था। तो टाइमिंग जो साथियों जो रखा गया था वो टाइमिंग दोस्तों इस प्रकार का था कि जितने भी वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर है वो 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दोपहर तक सभी में टाइमिंग दी गई थी। और कुछ वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जैसे कि अलसैफ, सलवा, उमारिया, मैसेल, ये और अल नईम, ये जितने भी वहां वैक्सीनेशन सेंटर उसी की टाइमिंग रखी गई थी 3 बजे से लेकर 9 बजे रात तक। तो फिलहाल ये 3 मार्च तक ही था। तो 3 मार्च दोस्तों कल के दिन ही खत्म हो चुका है। तो जो लोग भी अब वैक्सीनेशन का काम करवाने जाने वाले थे, जिनकी 40 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो जो टाइमिंग पहले था नेशनल डे से पहले वही टाइमिंग में आपको जाना है। ये टाइमिंग का सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है कल ही, यानी 3 मार्च कल ही था। तो 4 मार्च आज हो चुका है, तो आपकी टाइमिंग जो है वो खत्म हो चुका है। अगली खबर के साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो मुबारकिया एरिया से साथियों आ रही, बताना चाहूंगा साथियों मुबारकिया एरिया में एक फीमेल कुवैती सिटीजन रैन ओवर 3 ईयर ओल्ड इराकी चाइल्ड, तो उससे एक बच्ची की वहां पे 3 साल की बच्ची की वहां पे मौत हो गई है एक्सीडेंट के वजह से। फिलहाल दोस्तों ये बताया गया है कि मुबारकिया एरिया की घटना है और वो बच्ची थी वो इराकी थी, यानी इराक के रहने वाली वो बच्ची थी। फिलहाल एक्सीडेंट के दौरान दोस्तों बच्ची की मौत हो गई है, जो कुवैती के महिला के द्वारा उसे मारा गया गाड़ी से। फिलहाल उसे गवर्नमेंट पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई को लेकर आ रही है। तो साथियों जितने भी एरिया है कुवैत में, जितने भी जगह इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है अपार्टमेंट में, घरों में, या फिर पानी वगैरह, वाटर वगैरह सप्लाई किया जाता है, तो उन सभी को वार्निंग दिया गया था कि जल्द से अपने बकाया बिल को जल्दी से जल्दी भुगतान करें, नहीं तो आप लोगों का वाटर सप्लाई भी काट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी काट दिया जाएगा। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है अभी तक वो लोग भुगतान नहीं किए हैं। तो दोस्तों ये काटने का जो ये कैंपेन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे एरियाओं में जाके सरकारी विभाग के जो अधिकारी हैं विभाग जाकर सभी का लाइन वगैरह, बिजली वगैरह काट रहे हैं, वाटर सप्लाई वगैरह भी काट रहे हैं। तो जो लोग अभी तक जमा नहीं किए तो उन लोगों को जल्द से जमा कर लेना, नहीं तो हो सकता आप लोगों को जाकर वहां पे बिजली कटौती देखने को मिल सकता है। अगली खबर के साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से आ रही है। दोस्तों ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से बताया गया है कल के दिन एक अजीब घटना घटे दोस्तों। एक अभी कल के दिन ही शादी करने वाली नए महिला और पुरुष जो थे दूल्हा दुल्हन, वो लोग गाड़ी में निकल कर दोस्तों बेवजह हॉर्न बजाते हुए गाड़ी को चला रहे थे हर जगह, जिसके वजह से बहुत सारे जगहों पे सीसीटीवी कैमरा में कैद किया गया। फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों से गिरफ्त करके दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने पर मालूम नहीं चला है कि दोनों की शादी कल के दिन ही हुई थी। और दोस्तों कल के दिन ही शादी करने के बाद दोस्तों वो मस्ती करने के लिए गाड़ी काफी तेज चला रहे थे और हॉर्न चारों तरफ मारते हुए जा रहे थे, जो कि साउंड पॉल्यूशन भी होता है, जो कि वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का उल्लंघन करता है। और वहां पर गाड़ी तेज चलाने के जुर्म में सभी को पकड़ा गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी। यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो फ्लाइट, वीजा, टिकट, क्वारंटीन या जॉब के बारे में, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरी वहाँ पे मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कोई से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।